सही बातों को नहीं ना डरता क्या है गाइस। तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं और गुलाम अली भाई अकेले जा रहे हैं क्योंकि हमें बड़े मोहब्बत है बड़ों से, हम जा रहे हैं अपना फर्द निभाने और रास्ता भी बहुत लंबा है, वीरान भी है, कोई भी नहीं है हमारे साथ, हम बस ये सिर्फ ये पांच छह बंदे साथ और कोई भी नहीं है। तो अभी जा रहे हैं गाइस, क्या बोलते हैं कि हम उस दिन तो गए थे सफाई वफाई करने और आज उसका लेपा वगैरह करके वापसी आएंगे, पर वहाँ पे देखते हैं अगर औरतें कम होगी तो हम आपको वो भी सीन चेक कराएंगे, नहीं तो फिर रास्ते तो आप देख रहे हो वैसे हमारे साथ। कंटा हो जो बोला मुझे तो गाइस पीछे गुलाम अब्बास भाई का चैनल है तो वो सिंधी में अक्सर वीडियो बनाता है, तो अगर सिंधी चैनल चेक करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये चैनल चेक करो। पीछे इंटरव्यू चल रहा है भाई का, थोड़ा बिहाइंड द सीन चेक कर लो। सामने ये गाइस तो हमारा ये रास्ता कब्रिस्तान का है, हम जा रहे हैं गाइस, इसको बोलने का बड़ा शौक है। चल भाई बोल ले, कहाँ जा रहे थे भाई? कब्रिस्तान पे। अच्छा कहो आप कहाँ जा रहे हो बेटा? कब्रिस्तान पे लेपा करने जा रहे हो? अच्छा तो दुआ वो भी मांगोगे? चल हमारे साथ एक और आर्मी का आ गया बंदा। साथ भाई कहाँ जा रहे हो आप भी? पीछे भी आ रहे हैं। अच्छा वो पीछे भी देखो आ रहे हैं गाइस, हम आगे आगे जा रहे हैं उनको लेके, उनको रास्ते का पता नहीं है इसलिए हम उनको आगे आगे लेके जा रहे हैं, है ना? उनको नहीं है ना पता कहाँ से जाना है, तो आप चारों मेरे से भी आगे चलो तो मैं आपकी वीडियो भी बनाता जाऊँ और आप मेरे से बातें भी करते जाओ। तो गाइस ये बंदे आ रहे हैं, असल में ये जो रास्ता है यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, हमें बाइक पे बंदा जा सकता है पैदल, तो आज तो हमारा है छुट्टी का दिन तो हमने कहा कि हम क्यों ना पैदल जाएं और लाइफ को एंजॉय करते जाएं और वहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह कब्रिस्तान पे। हमारे वहाँ चार कब्रें, हमारे अब्बू की और दादा की, दादी की और एक चाचू की है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, क्योंकि हमारे अब्बू की बहुत स्ट्रगल थी लाइफ में, उसने गरीबी देखी, हमें उसने गरीबी नहीं दिखाने दी है। अब्बू को हम तक क़यामत तक दुआएं देंगे यार, जो दुख देखे उनने देखे, हमने कुछ नहीं देखा। आज हम जाएंगे दुआएं मांगेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस ये चेक करो बिहाइंड द सीन, भाई वाले इंटरव्यू करते हुए आ रहे हैं। और गाइस हमारा एक बंदा पहले गया था, भूसा छोड़ के आए वहाँ पे बाइक पे, तो अभी वो आ रहे और हम जाएंगे पैदल। इसको यहाँ पे उतारो भाई, किराया पूरा होती है जाने। नहीं रश घनी हुई है, रश घनी हुई तो गए। हमारे पास ये जो भाई ना, इस पर अब्बू का नाम रखा हुआ है हाजी खान, पर हंसता बहुत है बेचारा, हर बात पे हंसता है। तो गाइस हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, बाकी आधा है, असल में बीच में से बहुत करीब जाना पड़ता है, पर अगर हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा भाई कैसे, मज़ा आ रहा है? बहुत। तो आप मेरे ख्याल से पहली बार जा रहे हो ना पैदल? जी हाँ पहली बार, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे जाके कब्रों को बिल्कुल मारा लगाओगे। जी हाँ, आज के जो मिशन है हमारा कब्रिस्तान पे जाने का, वहाँ पे जो मेन किरदार होगा इसका होगा, देखते इसका मराई वाला काम कैसे करते हैं। मारा तो आप समझ गए होंगे क्योंकि लेपाई पे जो ऊपर से करते हैं सेटिंग करते हैं उसकी, उसको आज अच्छा भी बोल रहा है कि मैं सर अंजाम दूंगा, देखते हैं क्या होता है। और मेरे साथ पास तो है आपको पता है एक ऑर्डर, क्योंकि गारे को मट्टी जो बनाते वो आज हम बनाएंगे बड़ों के लिए कर रहे हैं, कल हम आएंगे तो हमारे लिए छोटे आएंगे, अगर हम आज नहीं जाएंगे तो हमें हमारे पास कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमारे बड़े जाते थे वो हमें लेके जाते थे, हम छोटे होते थे, आज वो गए तो हम जा रहे हैं और कल को हम जाएंगे तो ये छोटे आएंगे, ऐसे ही होता है ना सिलसिला चलता रहता है ना। अच्छा भाभी आज जा रहा है तो कल इसके बेटे इसके पास आएंगे, नहीं तो बोलेंगे बाबा दौड़े हो पाए।
लगता है कि बंदों की बैटरी अभी से थोड़ी थोड़ी लो हो रही है। आवाज भी देखो बिल्कुल लो हो गई है। तो कैसा मजा फील, मजा आ रहा है नहीं पैदल चलने में? मजा तो आ रहा है, टांगे बट गई है अभी से। अभी तो आधा सफर किया है क्योंकि हम तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल रहे रोजाना, अलग 2 किलोमीटर चल गए। इसलिए बोलते हैं कि डेली पैदल चला करो कि कभी कभी आपको काम आ जाता है। और जब मैं पैदल चलता था मेरा इतना पेट भी नहीं था बाहर। सही बात है, डाइटिंग। अब तो माशाल्लाह मानो चल आराम दुखा जा ऐसे तो नहीं है। अब मैंने एक बात बताई लोगों को, भाइयों को, कि जब अबू वाले जाते थे तो अपन को लेके जाते, अपन छोटे होते थे और वो गए तो हम जा रहे हैं और हम इन छोटों को लेके जा रहे हैं क्योंकि ना अगर हम कल इनको संभालना है, हम नहीं जाएंगे तो ये बोलेंगे दूड़ वो पाए बाबा। हाँ। तो गए थे कि मेन सवाल करते हैं, भाईजान चुप हो जाओ। अब वैसे एक मेन सवाल करते हैं कि हम इतना जा रहे हैं लाजमी वहाँ पे काम वाम करेंगे, थोड़ा थक भी जाएंगे, तो आपको पता है इंसान जब थक जाता है तो क्या लगती है भूख, और भूख का बंदोबस्त आवाज मैंने कुछ किया हुआ है कि नहीं? जी, भूख का बंदोबस्त हमने कर लिया है। एक चने में भी आई स्पेशल देख बनवाई है, देख बनवाई है, तो हम बस यही आसरा था, उसके आसरे में थोड़ा काम करेंगे क्योंकि खाना तो आपको पता है लाजमी है ना।